दिल्ली मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ बहुत बड़ी गोष्ठी होने जा रही है बाबा साहब के नाम को लेकर। महर्षि वाल्मीकि समाज के यहाँ समस्त लोग और जिसे बहुजन समाज किया जाता है, उस आज विचार गोष्ठी होगी बाबा साहब को लेकर होगी। हमारे बीच में युवा नेता और इस गोष्ठी को एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और इन्होंने सभी जगह से यहाँ लोगों को बुलाया। राहुल जी, आज जो ये मध्य प्रदेश और ये दिल्ली के जो वाल्मीकि समाज को आपने इकट्ठा किया है, तो इसका मायने क्या है, क्यों इकट्ठा किया है आपने? साथियों, मैं आपके न्यूज़ चैनल के को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हम तक पहुँचे और हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। ये जो यहाँ पे जो समाज को बुलाने का विचार गोष्ठी रखने का उद्देश्य है कि समाज में जागरूकता लाना है और समाज में एकता लाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो समाज है वाल्मीकि जी की प्रभु की संतान है, जो जिनके हाथ में कलम है और हमारे बाबा साहब के हाथों में भी कलम है। तो सोचने वाली बात है, ये वाल्मीकि समाज के हाथ में ये झाड़ू कहाँ से आई है? और जब झाड़ू आई है तो इनको इनके पूरे देश के अंदर और भी सारे विभाग हैं, तो ठेका प्रथा इनके ही ऊपर क्यों ला दी गई? और इस ठेका प्रथा के अंदर पूरे देश के अंदर 2,000 और 3,000 6,000 रुपये में काम कर रहे हैं। क्या 2,000 और 6,000 रुपये में किसी का परिवार चलता है? नहीं चलता है। तो ये विचार गोष्ठी रखने का ये उद्देश्य है। ना हमें राजनीतिक सत्ता का अधिकार है, ना ही हमारी पुलिस में कहीं सुनवाई होती है, ना हमारी कहीं नेता सुनते हैं। अगर हमारे जो देश के सफाई कर्मचारी हैं वो अगर कहीं हड़ताल करते हैं, तो जो क्षेत्रीय पावरफुल बाहुबली लोग होते हैं, बाहुबली नेता होते हैं, वो ऐसी हड़तालों को तोड़वा देते हैं, उनको कामयाब नहीं होने दिया जाता है और वो उनके समाज के बीच ही फूट डाल दी जाती है। जबकि हमारे समाज के ऊपर SC ST आयोग भी बना हुआ है और साथ ही सफाई कर्मचारी आयोग भी बना हुआ है, लेकिन समाज की बात को वो सुनते जरूर हैं, लेकिन उनकी बात का निर्णायक अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। और साथ ही जो अभी देखने में आ रहा है, घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर शिवपुरी में एक तहसील है खनियादाना, वहाँ पर कुछ मनवादी लोगों ने हमारे 40 घरों को जला दिया गया। वहाँ पर अभी तक सरकार ने जो घर जलाए जाते हैं जिन लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, उनको अभी कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब जहाँ तक मुझे अभी तक सुनाई में आया कि 25,000 रुपये मिले हैं, क्या जिन लोगों के घर जले हैं क्या वो 25,000 से वो भरपाई हो पाएगी? मैं मांग करता हूँ उन लोगों के लिए कि कम से कम 25 से 30 लाख रुपए उनको दिए जाए और साथ ही उनको जमीन का टुकड़ा दिया जाए 5-5 बीघा का। राहुल जी, जैसे एक तरफ कहा जाता है कि सबसे निचले पायदान के लोग हैं ये लोग, और फिर कहा जाता है कि सबसे ऊपर के पायदान के लोग हैं। हाँ। नीचे के पायदान के लोगों को घास नहीं डाली जाती है, जैसे आपने बताया कि आयोग बना रखे हैं, आयोग के तहत लोगों को बिठा रखा है, लेकिन उन लोगों को जो बिठा रखा है, आयोग के जो मेंबर हैं, उनका कार्यशैली क्या है? जहाँ तक मेरी जो उम्र हुई है, मैं 28 ईयर ओल्ड हूँ, मैंने देखा है कि हमारे देश में जबकि आयोग है, आयोग का काम होता है समाज के हर परिस्थिति को देखना, लेकिन देखने में आ रहा है कि आयोग असफल है, आयोग कहीं पर भी सहायता नहीं कर पा रहा है सफाई कर्मचारियों को। जब हम ठेका प्रथा की बात करते हैं तो आयोग की तरफ से केवल एक ही बात कहनी होती है कि आप हमारा सहयोग करें। अगर हमें सहयोग ही करना है तो फिर आयोग का पद किस लिए? आयोग का वित्तीय विभाग क्या है? आयोग को संवैधानिक अधिकार क्या है? क्या हमारे लोगों को बिना बताए कहीं से भी कभी भी हटा दिया जाता है? हमारे लोग कई जगह तो 1-1,000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं। हमारा 90% जो व्यक्ति है सफाई कर्मचारी, वो 99% सफाई कर्मचारी इस वाल्मीकि समाज का है और उनकी जो रोजी रोटी है वो वहीं पर चलती है। साथ ही मेरा कहना ये है कि हमारे जो समाज के सफाई कर्मचारियों की जो मृत्यु होती है वो इस गंदगी को साफ करते करते होती है। क्या गंदगी करने वालों के साथ जो गंदगी करते हैं क्या वो खराब है, या जो गंदगी को साफ करते हैं वो खराब है? मानसिकता किसकी खराब है? तो हमने जो विचार गोष्ठी रखी है कि हमारे जो लोग गटर में गिर के मर जाते हैं, उनको कई जगह तो उन्हें सुविधा मुहैया नहीं मिलती हैं और ना ही उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। साथ ही राहुल जी, आगामी योजनाएं क्या रहेगी इस एक गोष्ठी को लेके? और आज आपने दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर आपने गोष्ठी किया, और क्या आपका आगे योजना रहेगी? मेरी योजना यह है कि हमारे बाबा साहब ने कहा था
कि जब तक आप विधानसभा और संसद के अंदर नहीं पहुंचोगे तब तक आप आपको हक और अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए जो मेरा सबसे पहला उद्देश्य है, बाबा साहब के पद विचारों पर चलना जरूरी है, क्योंकि विचारिक के विचारों वैचारिक क्रांति लाना जरूरी है।